नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक रिलेटेड टेक्निक हिंदी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीएलएड कर रहे एनआईओएस के द्वारा शिक्षकों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ और वो जानकारी असाइनमेंट से संबंधित है। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखे जो कि कुछ भी मतलब आंसर बना के डाल रहे हैं और लोग और हमारे शिक्षक जो वो सारे क्वेश्चन को सही मान के उसे कॉपी करना चाह रहे हैं, परंतु मैं उन लोगों से कह देना चाहूँगा कि कृपया आप ऐसा ना करें। सबसे पहले आप NIOS के वेबसाइट पे जाके उनके क्षत्रिय कार्य के जो भी नियम है वो पढ़ लें और उसके अनुसार ही अपने असाइनमेंट को बनाएं। दोस्तों, हम लोग बार बार क्या करते हैं कि YouTube पे सरल रास्ता चुनने की कारण किसी की भी वीडियो पे भरोसा कर लेते हैं, किसी की भी असाइनमेंट बनाने पे भरोसा कर लेते हैं। हम लोग खुद शिक्षक हैं तो क्यों ना हम लोग खुद तैयार हों, किसी और पे भरोसा करके क्यों असाइनमेंट को गलत करें। तो मैंने आज इस पे शोध किया, इस पे खोजा तो मुझे पता चला कि सक्रिय कार्य कैसे करना है और इसकी प्रोग्राम गाइड आपको NIOS के वेबसाइट पर मिल जा रही है आसानी से, जिसे कि मैंने डाउनलोड किया है और वो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा। यहाँ देख सकते हैं आप सत्रीय कार्य, जब आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करेंगे तो 59वें पेज पे ये सत्रीय कार्य का नियम प्रणाली आपको दिख जाता है, जिसमें दिया गया है कि सत्रीय कार्य अनुदेशात्मक प्रणाली का अंगभूत एवं अनिवार्य कारक है। सत्रीय कार्य प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए है। यह सत्रीय कार्य कार्यक्रम निर्देशिका में दिए गए अनुसूची की सहायता से संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा करने हैं। यदि कोई अधिगमकर्ता सत्रीय कार्य की प्रतिलिपि चाहता है तो वह उसे अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकता है या NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in से प्राप्त कर सकता है। जब आप नियत कार्य कर रहे हो तो निम्नलिखित बिंदुओं का मस्तिष्क में रखना जरूरी है। दोस्तों, इस नियम को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और खुद भी इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। दिसंबर लास्ट तक में हम लोगों को असाइनमेंट जमा करना है। पहला नियम कहता है कि उत्तर संक्षिप्त व क्रमबद्ध हो और प्रासंगिक विवरण देने से हमेशा बचने की कोशिश करें तथा प्रश्न और उसके विविध पक्षों पर केंद्रित करें, यानी प्रश्न संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो और जो क्वेश्चन है सिर्फ उससे रिलेटेड आंसर होना चाहिए। इर्द गिर्द आंसर देने से आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सत्रीय कार्य में जहाँ शब्द सीमा विनिर्दिष्ट है उसका ध्यान रखें, जहाँ तक संभव हो शब्द सीमा में बांधें किंतु वर्णन को पर्याप्त रखें, वह बहुत छोटा ना करें। शब्द सीमा जवाब को पैना व केंद्रित बनाती है और आपकी अभिव्यक्ति को बाधित नहीं करती। दोस्तों, जैसा कि आपको 500 शब्दों में क्वेश्चन दिया गया है लिखने के लिए असाइनमेंट में और एक क्वेश्चन मैंने देखा 1000 शब्दों में भी है, तो कृपया करके उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। आपके जवाब स्वलिखित हो, यदि आपको लगता है कि आप लेख सुपाठ्य नहीं है तो आप अपना जवाब टंकन कर भेज सकते हैं। दोस्तों, आप जो लिखेंगे असाइनमेंट वो खुद के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति से लिखा के आप कृपया ना भेजें, अन्यथा कल आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा अक्षर सही नहीं है तो आप उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, यानी कि खुद से टाइप करके कंप्यूटर की मदद लेके आप टाइप करवा के भी असाइनमेंट भेज सकते हैं। कार्यशाला में सत्रीय कार्य के लिए दिग्विन्यास उपलब्ध कराया जाएगा। आपको सत्रीय कार्य का जवाब अपने संबंध अध्ययन केंद्र पर नियत दिनांक पर भेजना है। ये दिनांक कार्यक्रम पुस्तिका में पीछे दिए गए हैं। ये जो कार्यक्रम पुस्तिका मैंने डाउनलोड किया है इसके पीछे में इसका दिनांक दिया गया है, जो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, इसको जो है आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि इधर अभी बिहार में अध्ययन केंद्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे ही अध्ययन केंद्र की जानकारी मिलती है मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूँगा। तीन सत्रीय कार्यों के लिए 30% अधिभार निश्चित है। पहला सैद्धांतिक, दूसरा प्रायोगिक के लिए 10% तथा सैद्धांतिक कार्य के लिए 20% अधिभार है। इसके लिए कोई विकल्प नहीं होगा, सभी विषय अनिवार्य होंगे। सत्रीय कार्य एक अनिवार्य घटक है। प्रत्येक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य होगा। इस प्रकार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए कुल 27 सैद्धांतिक सत्रीय कार्य होंगे। आप जिस अध्ययन केंद्र से संबंधित हैं आपको सत्रीय कार्य उसकी अध्ययन केंद्र निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करने होंगे, पर जमा करना चाहिए। सत्रीय कार्य के जवाब की एक प्रतिलिपि हमेशा आपके पास होनी चाहिए, यानी दोस्तों जो आप असाइनमेंट जमा करेंगे उसका एक प्रतिलिपि अपने पास रख लें, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो और
अगर ऐसा हो कि असाइनमेंट आपका वहाँ नहीं पहुँचा तो उसकी रिसीविंग जो आप प्राप्त करेंगे उससे कल आप फाइट कर सकते हैं कि हमने असाइनमेंट अपना जमा किया था। और देखिए सर, क्षत्रिय कार्य का जवाब पूर्णता में कैसे भेजे और अन्य मुद्दे, और देख लीजिए इसके आगे असाइनमेंट के बारे में। क्षत्रिय कार्य के जवाब के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर दाएं कोने पर आपको नामांकन संख्या, नाम और पूरा पता तथा तारीख लिखें। आप जवाब के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर मध्य के बड़े अक्षरों में पाठ्यक्रम शीर्षक कोड तथा क्षत्रिय कार्य कोड लिखें। कार्यालय के उपयोग हेतु शीर्ष के बाएं कोने को खाली छोड़ें। आपके जवाब के प्रथम पृष्ठ का शीर्ष कुछ इस तरह दिखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम शीर्षक, पाठ्यक्रम कोड, क्षत्रिय कार्य कोड, नामांकन संख्या, नाम, पता, तारीख, यहाँ जो ब्रैकेट में दिया गया है इसे ध्यान से देख ले। इस प्रकार से आपको बनाना है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अंग्रेजी में एक किसी चैनल वाले ने बताया था इसके मतलब बनाने के लिए, तो वह कुछ अटपटा सा टाइप का था जो कि हमारे निर्धारित नियमों से उल्लेखनीय नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग दोस्तों ना करें। कृपया प्रारूप का सख्ती से पालन करें। यदि आप इस प्रारूप का पालन नहीं करते तो हम आपका जवाब पुनः प्रस्तुत करने के लिए आपको वापस भेजने का बाध्य होंगे। यदि आप अपना नामांकन संख्या और पता नहीं लिखते हैं तो आपके क्षत्रिय कार्य के जवाब को खो जाने की संभावना भी होगी। दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ और साफ अक्षरों में लिखा गया है कि कृपया प्रारूप का सख्ती से पालन करें, यानी जो नियम इसमें दिया गया है उस नियम पर चले। इधर इर्द गिर्द से नियम को जान लेने से आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मैंने इसलिए आज तक असाइनमेंट बनाया है लेकिन वीडियो मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने इस पर कन्फर्म नहीं हो रखा था। आज मैंने कन्फर्म हो रखा तो पहले मैं इसकी नियम बता देता हूँ, और कुछ दिनों में मैं आने वाले समय में लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर मैं असाइनमेंट की सही जवाब आप लोगों तक शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कृपया मुझे बताइएगा। क्षत्रिय कार्य का जवाब सभी परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण जवाब आपको खराब ग्रेड दिलाएंगे। जवाब को टुकड़ों में ना भेजिए, वह हमारे कार्यालय में एक साथ नहीं रखा जा सकता। आप जवाब केवल बड़े आकार के कागज पर होने चाहिए। सामान्य कागज का प्रयोग करें, बहुत पतले कागज का नहीं। यहाँ जो आप कागज मार्केट से खरीदेंगे वो A4 साइज का होना चाहिए। जिस साइज का आप प्रिंट आउट करवाते हैं जिस पेपर पे, उस टाइप का पेपर होना चाहिए आपको। वो पेपर हिंदी लिखने के लिए रोलिंग पेपर मिल जाती है। और ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करेंगे। ब्लैक पेन का प्रयोग आप हेडिंग के लिए करेंगे और ब्लू पेन का प्रयोग आप आंसर लिखने के लिए करेंगे। कृपया करके ब्लैक पेन से पूरी आंसर ना लिखें क्योंकि ब्लैक पेन सिर्फ हेडिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आप अपना आंसर ब्लू पेन से लिखें। आगे कुछ और नियम है दोस्तों। बाईं तरफ 3x2 इंच जगह छोड़े और प्रत्येक क्षत्रिय कार्य के जवाब के बीच में कम से कम 4 पंक्तियां खाली छोड़ दे। यह साधन सभी को जवाब का मूल्यांकन करते समय उपयोग टिप्पणी लिखने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करेगा। सुनिश्चित करें कि आपका जवाब आपको भेजी गई इकाई के आधार पर हो। आपको अपने क्षत्रिय कार्य के जवाब में मुद्रित अनुच्छेद नहीं भेजना चाहिए। क्षत्रिय कार्य का जवाब जो आपने हमें भेजा है कि एक प्रति अपने पास रखें, आपको इसे अपने पास रखना आवश्यक है। यदि यह पारगमन में खो जाए तो ऐसी स्थिति में दोबारा जमा करने के लिए, यदि रखें कि एक विशिष्ट क्षत्रिय कार्य के दो या अधिक जवाब एक समान या समरूप पाए जाते हैं तो बिना जांच किए लौटा दिए जाएंगे या बहुत कम ग्रेड दिए जाएंगे। ऐसे मामले में यह पूरी तरह से मूल्यांकनकर्ता का विवेकाधिकार है कि आपको पुनः लिखने के लिए कहे या बहुत कम ग्रेड दे। कृपया अपना क्षत्रिय कार्य निश्चित तिथि और संबंध केंद्र के समन्वयक या कार्यक्रम संचालन को जमा करें। यदि क्षत्रिय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि के दिन कोई अवकाश हो तो यह जवाब अगले कार्य दिवस पर जमा कर देना चाहिए। कार्यक्रम शुल्क या कार्यक्रम स्वयं संपोषित कार्यक्रम के रूप में सामने रखा गया कार्यक्रम का शुल्क सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 6,000 प्रति वर्ष या 12,000 दो वर्ष के लिए प्रति अभ्यर्थी रखा गया, जो कि आप लोगों को पहले से मालूम है। अतः सेवी कार्यक्रम होने के कारण कार्यक्रम के अभ्यर्थी संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होंगे। अधिगमकर्ता का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण, एक परिचय। डीएलएड कार्यक्रम के मूल्यांकन के निम्नलिखित घटकों के समावेशन के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम विधि के लिए बहुत स्तरीय प्रणाली है। अध्ययन प्रत्येक इकाई के अंतर्गत स्व मूल्यांकन अभ्यास और सतत मूल्यांकन मुख्यतः क्षत्रिय कार्य के माध्यम से होंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को आपकी सेमेस्टर तैयार करनी है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में और अभ्यास शिक्षण कैसे करना है, इन सभी बातों का यहाँ पे पूर्णतः ध्यान रख के बनाया गया है इस चार्ट को। तो प्रोग्राम गाइड आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं वो नियम बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने NIOS वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे टीचर लॉगिन सेंटर पे पहुँचेंगे और ऊपर में आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम गाइड। तो आप लोगों को इतना घूमने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं और अपने नियमानुसार भी आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसके लास्ट में डेट के लिए बोला गया था, मैं वो थोड़ा खोज लेता हूँ, तो उसमें समय क्यों गंवाना, आप उसे बाद में भी खोज सकते हैं। असाइनमेंट तो ऐसे भी हम लोगों को पता है कि दिसंबर लास्ट तक में ही जमा करनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने उन शिक्षकों को बता दें कि यूट्यूब के असाइनमेंट पर ध्यान ना दें, जो कि बहुत सारे हम लोगों से भी और शिक्षित लोगों ने बना रखा है वीडियो सिर्फ चलाने के लिए, व्यूज पाने के लिए। कृपया उन चीज़ों से दूर रहें और यहाँ NIOS के जो नियम दिए गए हैं उस नियम का पालन।